एक और लड़ना है, मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है, अरे आओ ना यार, दो दो हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला। ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा। अरे हिम्मत है तो सामने से वार करो, ये फेक वीडियो का गेम बंद करो। कुछ पल लोगों को आप गुमराह कर पाओगे, लेकिन इसकी बहुत बड़ी सजा भी ये देश आपको देगा। साथियों, इन लोगों ने चलाया है, मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहा है कि आरक्षण, अरे उनको मालूम नहीं आज भी पार्लियामेंट जो 5 साल चली, एनडीए के 360 तो करीब करीब एमपी थे, और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे एनडीए में नहीं थे, आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारे एनडीए में नहीं थी, जो हमें समर्थन करते थे, वैसे भी पार्लियामेंट में 5 साल मेरे पास 400 की ताकत तो थी ही, लेकिन न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं, न ही ये पाप करना हमारा रास्ता है। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है, देश के संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की शुचिता, उस संविधान का संरक्षण, और कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है, मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उस पर रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। तुम्हारा जो इरादा है, वो इरादा है कि दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग, जिनको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं, मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो हिम्मत हो तो, नहीं करेंगे, क्योंकि दाल में कुछ काला है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं उनको, और मैं दुनिया और देश के सामने रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है, उसकी पूरी रक्षा की जाएगी, उस पर कोई कभी चोट नहीं आने दी जाएगी। और जो लोग धर्म के आरक्षण दाम पर देना चाहते हैं, वो घोषित करें, क्योंकि उन्होंने आंध्र में प्रयोग कर चुके हैं, वे कर्नाटक में प्रयोग कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं,
वोट बैंक के लिए आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। कर्नाटक में उन्होंने क्या किया, रातों रात सभी ओबीसी समाज को उन्होंने, मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था रातों रात डाका डाल करके उसका एक हिस्सा लूट गए। क्या ये देश में चलेगा क्या, चलेगा क्या, ये चलने दूं क्या मैं? और इसीलिए आज झूठ फैलाने में लगे हैं, गुमराह करने में लगे हैं। और इंडी गठबंधन की मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, घोषित करें। दूसरी घोषणा करें, एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे, करें घोषणा, नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना आप मीडिया का, उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। पर भाइयों, तमें गुजराती हो, मने मोटो करो, जन तमें चिंता करो, हाँ।